नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया इक्विकेडिंग स्वागत है। इस वक्त की आपके लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत ही जरूरी सूचनाएं आप सभी के लिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 9 महीने से अटकी जो फाइल थी पटवारी भर्ती को लेकर और नायब तहसीलदार को लेकर, वो जो है राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अभ्यर्थना। वो अभ्यर्थना के लिए फाइल को जो है मंजूरी जो है सरकार को पत्र भेजा गया है। मंजूरी के लिए दोस्तों सरकार को पत्र भेजा गया है। 225 तो नायब तहसीलदार के पदे और 2998 पटवारियों की भर्ती होगी। और दोस्तों जहाँ तक लगता है ये भर्ती सीईटी के बाहर होगी। क्या होगी? क्योंकि सीईटी की जो डेट थी वो सीईटी की डेट अब जो है निकल चुकी है। जो एक साल का जो उसकी वैलिडिटी थी सीईटी की, वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब ये भर्ती जो है बिना सीईटी के होगी। क्या होगी? बिना सीईटी के होगी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है, मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी, अजमेर से खबरें, क्योंकि राजस्व जो विभाग है वो अजमेर है, तो राजस्व विभाग से ये खबर है। राज्य में 225 नायब तहसीलदारों और 2988 पटवारियों की भर्ती पिछले करीब एक साल से अटकी हुई थी। सरकार इस पर अब निर्णय नहीं ले सकी, अब तक निर्णय नहीं ले सकी। पिछले साल ये भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। यहाँ से वित्तीय एवं प्रशासन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्थना आरपीसी को नहीं भेजी जा रही जा सकी। वही राज्य में 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्व मंडल ने अगस्त 2023 के लिए अभ्यर्थना भेजी थी। अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता के मामले आगे नहीं बढ़ा। इस साल जनवरी में वित्त विभाग ने भर्ती के कारण आने वाले वित्तीय भार की गणना की करवाई। अब तक राजस्व मंडल उप निबंधक भू अभिलेख ने संयुक्त सचिव राजस्व को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के लिए रिमाइंडर भेजा है। तो दोस्तों रिमाइंडर भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। राज्य में 2019-20 में 5448 पदों पर पटवारी की भर्ती हुई थी। 3 साल बाद दोस्तों 2988 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य में वर्तमान में 1468 जो है पटवारी पद स्वीकृत है, इनमें से 2300 कुछ पद जो है रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों गिरदावरी वगैरह इनमें करोड़ों का खर्च आता है और सालाना सरकार इसमें प्रतिवर्ष दोस्तों 464 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। नई भर्ती के बाद खर्च और बढ़ेगा और दोस्तों इस प्रकार से ये मामला आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि जो है 225 नायब तहसीलदारों की भर्ती आने वाली इसी साल, और जल्दी दोस्तों 2988 पदों पर दोस्तों यहाँ पर ये 98 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ 88 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सही बात यह है कि 2998 पद है। कितने? 2998 पदों पर दोस्तों भर्ती आएगी आपके पटवारियों की, बिना सीईटी के और ग्रेजुएशन पर, यानी कि यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और प्लस सी आपने RSCIT या किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर कोर्स, तो ये योग्यता रहेगी इसकी। और पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी कितनी गई थी? 72% गई थी। इस बार समझ लो कि 73% जाएगी जनरल की, हाईएस्ट 73 से 75। इस हिसाब से अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, और इसका सिलेबस क्या है सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यदि आप लोगों की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दो भाई। सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।